बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे, श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी के अपार मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को, उन परम धाम की नूरी गलियों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। सदगुरु महाराज श्री जोहरदास महाराज जी, जो चाशनी सम्राट हुए, जिनकी समाज को अनुपम देन उनकी परम धाम की बड़ी वृद्धि, उनकी चितवनी की बुक और खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का उनका टीका, तो उन टीका के प्रकाश में हम आगे बढ़ते हैं। प्रकरण नंबर 8, चौपाई नंबर 34-34 से। पाल हीरे की उज्जवल ऊपर रोशन वन छाए, तिनसे पाल सब रोशन जिमी हरी पांच दिखाए, जिमी हरी पांच दिखाए। ए बन बाई तरफ का बनिया दो भर पाल, देत नूर आकाश को शोभा लेत अति तार। इन चबूतरे पर जो वन की शोभा है, वह बाई ओर की चबूतरे का वर्णन है, इसी प्रकार से दूसरे चबूतरे की भी शोभा का वर्णन है। महर्षि जी जब शोभा दिखला रहे हैं, तो पहली नजर उनकी बाई तरफ के झुंड पे, कि उन झुंड की कैसी शोभा, कैसे उनके चार द्वार, वो द्वार कैसी एक संक्रमित सीढ़ी की तरफ खुलता हुआ, एक चौरस पाल की ओर, एक दूसरे झुंड की ओर और एक ताल की तरफ। तो सुंदर झुंड का वर्णन कर रहे हैं कि जैसा ये बाई तरफ का पाल है चबूतरा, ऐसा ही दाहिनी तरफ भी झुंड है, इसी प्रकार दूसरे चबूतरे की शोभा है। दोनों चबूतरे पाल के एक भाग अर्थात 250 मंदिर के स्थान पर 250 मंदिर के ही लंबे चौड़े आए हैं। संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही इन चबूतरों की शोभा, इन झुंडों की शोभा, इनका प्रकाश आकाश तक छा जाता है, जिससे ताल की शोभा अति बढ़ जाती है। झुंड के घाट की शोभा और उनका संपूर्ण प्रतिबिंब आकाश में झिल मिलाए, और आकाश से वो झिल मिलाट जब जल में जाए, तो जल की शोभा भी कैसे बढ़ जाती है। अंदर देहोरिया पाल पर ऊपर वन विराज्या आए, इस शोभा वन लेत है एक खूबी कहीं न जाए। पाल के ऊपर वनों के नीचे सब देहोरिया आई हैं, इस प्रकार वन की शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसका वर्णन संभव नहीं है। हमने देखा था कि तीसरे हिस्से में जहां दो पहल मिल रहे हैं, उन स्थान पर देहोरियों की शोभा आई है। अब वर्णन आ रहा है कि ये जो जल तरफ के वृक्ष हैं, ये छत्री मंडल बढ़ाते हैं। इन देहोरियों की नोक से उलंघकर कटिपाल के भी ऊपर से होते हुए, इन जल रोज के ऊपर से होते हुए जल चबूतरे तक छाया करते हैं, तो वनों की शोभा और भी बढ़ती हुई जब वो देहोरियों के ऊपर से जाते हैं, तो देहोरियों का संपूर्ण प्रतिबिंब भी उन वनों के छत्री मंडल में, जहां दो पहल मिल रहे हैं, आधी देहोरी एक पहल में, आधी देहोरी दूसरी पहल से, तो दो दो रंगों में, दो दो जिनस से जो एक सुंदर शोभा में झिल मिलाती, अरस परस होती शोभा। एक हांस में माने हम कि हीरा नग की प्रधानता, दूसरे में माणिक की, और आधी द्योरी हीरा में, आधी माणिक की, तो दोनों रंग दोनों छिलकार कैसे अरस परस होती हुई। माणिक पे हीरा की झलकार, हीरा पे माणिक की झलकार, हीरा का चित्रामन माणिक पे, माणिक का चित्रामन हीरा पे,
कलर ध्वजा पताका भी उन दो रंगों में, और ये संपूर्ण प्रतिबिंब जब वनों की शीतल चंद्रमा पे जाके, तो उन समय वनों की शोभा कितनी बढ़ जाती है। अंदर देहोरिया पाल पर ऊपर वन विराजा आए, इस शोभा वन लेत है एक खूबी कहीं न जाए। पाल के ऊपर वनों के नीचे सब देहोरिया आई हैं, इस प्रकार वन की शोभा और बढ़ जाती है, इसकी विशेषता का वर्णन संभव नहीं है। अभी तक क्या होता था कि ये जब चौपाई पढ़ते थे, नजर सीधा तीसरे हिस्से पे जाती थी कि घेर कर पाल पर देहोरिया आई है, लेकिन आज इन टीका के प्रकाश में इन वाणी को पढ़ने से कैसे वो नजर जा रही है ना, कि इन देहोरियों की जो प्रकाश है, इनका जो नूर है, चंद्रमा पे जाता हुआ, वनों की शीतल चंद्रमा पे, और वनों की शीतल चंद्रमा का नूर इन देहोरियों पे आता हुआ, तो देहोरिया भी कैसे उन फूलों के, फलों के, पत्तियों के नूर से वैसी प्रकाशित होती हुई, जैसे अरस परस शोभा होती हुई, चंद्रमा का सुंदरता पूरी देहोरी में समाती हुई, और देहोरी की सुंदरता चंद्रमा में समाती हुई। ऊपर पाल जो देहुरी फिरती आगू गिरद्वाई, तिन सबू आगू चबूतरा, तिन दो तरफू उतराई। पाल पर घेर कर देहुरिया 128 हाँस, 128 जहां पे दो पहल मिल रहे हैं वहां पर देहुरिया 128, और उन देहुरियों के आगे चबूतरे, और उन चबूतरों के दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां, तीन दो तरफ उतराए। ये देखें, हम इन देहोरी को देखें, ये देखिए जहां पे कोना मिल रहा है वहां पर देहोरी, सवा सौ मंदिर इस हाथ से, सवा सौ मंदिर उन हाथ से, तो इन हाथ का नूर इन हाथ का रोस, दो रंगों में देहोरी छिल मिलाती हुई, फिर कैसे अरस परस रंग होते हुए। अब इन देहोरी के ठीक आगे यहाँ पे तीन सीढ़ी दिखा रखी है, तीन सीढ़ी का वर्णन नहीं है, पाल के लेवल में देहोरी है। अब इन देहोरी के ठीक आगे एक चबूतरे की शोभा, चबूतरे के दोनों तरफ कटी पाल की सीढ़ियां उतरती हुई, 250 मंदिर की चौड़ाई में, और सीढ़ियों का उतार चढ़ाव है 62.5 मंदिर, तो दोनों तरफ सीढ़ियां उतरती हुई। देहोरी की जगह से आगे आए तो चबूतरा, इन स्थान पर अपने को कठेड़ा मिलेगा, इन कठेड़ों से पकड़कर इन ताल की शोभा को, टापू महल की शोभा को निहारना, तो आगे वर्णन आ जाएगा कि ये शोभा को जरोखे करके कहा जाता है। कुछ इस तरह से चपाई आएगी, सब खुले जरोखे ढांप के, तो इनको झरोखे करके शोभायमान किया गया। आगे कठेड़ा, इन कठेड़ों से पकड़ के आगे ताल के दर्शन करना। ऊपर पाल जो देहुरी फिरती आगू गिरदवाए, तिन सबू आगू चबूतरा, तिन दो तरफू उतराए। पाल की चारों ओर देहुरियां हैं, उनके आगे नूरी चबूतरे हैं, उनसे नीचे उतरने के लिए दोनों ओर सीढ़ियां हैं। यूं देहुरी सब चबूतरों, तीन सीढ़ियां सबको, हर देहुरी हर चबूतरे, सीढ़ियां दो तरफ। इस प्रकार प्रत्येक देहुरी के सामने चबूतरों की शोभा, और उन चबूतरों के साथ सीढ़ियां सुशोभित है। प्रत्येक देहुरी के साथ चबूतरा है, और चबूतरे के दोनों ओर सीढ़ियां हैं। फिर ये देखिए कटीपाल की शोभा दिखलाते हम घेर कर ये 128 देहुरियां देखें, प्रत्येक देहुरी के आगे चबूतरा, और चबूतरे के दोनों तरफ वो रंगों नगों से उतरती पावड़ियां, धाम की सीढ़ियां, कटीपाल की सीढ़ियां।
कटिपाल की शोभा का वर्णन चल रहा है। दो सीढ़ियों के बीच में तले चबूतरे द्वार, तीन सब सीढ़ियों पर कोटे, चढ़ती कांगरी दो किनार। दो सीढ़ियों के मध्य में चबूतरा है, चबूतरे के मध्य द्वार है, सब सीढ़ियों पर परकोटा है। बीच में जो चबूतरा है वो 250 मंदिर का लंबा, 125 मंदिर का चौड़ा है। उसके दोनों ओर परकोटे पर कांगरी चली गई है, किनार यानी किनारा जल का। अब ये शोभा का वर्णन इस स्थान का, यहां से देखिए, ये देखिए, ये देहोरी, ये देहोरी, इनके आगे चबूतरा, इनके आगे भी चबूतरा। अब यहां से भी सीढ़ी उतरी, यहां से भी सीढ़ी उतरी। दो देहोरी के मध्य हमने देखा 250 मंदिर का स्थान है, तो ये जगह भी 250 मंदिर की हुई। अब 62.5 मंदिर में यहाँ सीढ़ी उतर गई, 62.5 मंदिर में इधर से सीढ़ी उतर गई, तो 125 मंदिर तो सीढ़ियों ने ले लिए दोनों तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास 125 मंदिर का चौड़ा और इस तरह से लंबाई तरफ 250 मंदिर का लंबा एक चबूतरा हुआ। चबूतरा क्यों कहा इसको? क्योंकि ये जल रोज से 3 सीढ़ी ऊपर है, तो ये चबूतरा ही कहलाएगा। घेर कर 750 मंदिर के चौड़े चबूतरे का वर्णन आता है, तो ये चबूतरा है अपना। अब इस चबूतरे पर हम देखिए 125 मंदिर की मेहराब इस तरफ, एक भीतरी तरफ। भीतरी तरफ जो मेहराब है उससे हम अंदर जाएंगे तो एक गली आगे पाल अंदर मोहलाते। अब दो मेहराबे तो हो गई, जैसे हम यहाँ देखिए पूरब और पश्चिम, दो मेहराबे तो हो गई 125 मंदिर की, और दो मेहराबे 250 मंदिर की है। उन मेहराबों में अपने को उतरती सीढ़ियों की शोभा नजर आएगी इस तरह से। और उन सीढ़ियों पे परकोटे, अब ये जो सीढ़ियां उतर रही हैं जल की तरफ, यहां देखो परकोटे की शोभा आएगी। यहाँ पे नक्शा बिल्कुल प्रॉपर नहीं बना हुआ, जैसे अपन धाम की सीढ़ियों का देखते हैं हम कुछ उसी तरह से लेंगे, क्योंकि सीढ़ियों का वर्णन वही ज्यादा दिया अपने को अच्छे से। तो हर सीढ़ी पर 3 सीढ़ी ऊंचा परकोटा, तो यहाँ पर भी उतरते परकोटे की शोभा, यानी हर सीढ़ी पे जो कठेड़ा आया है, परकोटा आया है, 3 सीढ़ी ऊंचाई पर है, और चांदों पर भी 3 सीढ़ी ऊंचाई पर होगा, तो यहाँ पर उतरते परकोटे की शोभा आई है। और उन परकोटों में कितनी सुंदर कांगरी होगी, कितना डिजाइन होएगा उसमें, और सीढ़ियों पे भी कितनी सुंदर गिना होगी। दो सीढ़ियों के बीच में तले चबूतरे द्वार, तीन सब सीढ़ियों पर कोटे, चढ़ती कांगरी दो किनार। दो सीढ़ियों के मध्य में चबूतरा, दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर रही, उनके मध्य एक चबूतरा हुआ। चबूतरे के मध्य द्वार, अभी वर्णन आगे आएगा, एक बड़ा एक छोटा द्वार, तो छोटा द्वार यही हुआ। सब सीढ़ियों पे परकोटे, उनके ऊपर कांगरी, लाल माणिक की सुंदर कांगरी का वर्णन आता है। बीच में जो चबूतरा है 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा, और दोनों ओर परकोटे पे कांगरी चली आई है। सीढ़ियों पर जो चबूतरे, तीन तले सब मेहराब, मेहराब आगू जो चबूतरा शोभित है ठीक आप, यानी जल। सीढ़ियों के ऊपर 250 मंदिर का चबूतरा है, मेहराबों के ऊपर यही चबूतरा है। दूसरा अर्थ, देहोरियों के आगे चबूतरे से नीचे उतरती सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां नीचे के चौक तक पहुंचती हैं। उसके आगे कमान यानी मेहराबी द्वार है, इन कमानों के आगे 500 मंदिर का चबूतरा है, फिर ताल के जल तक पहुंचता है। सीढ़ियों पर जो चबूतरे, तीन तले सब मेहराब, दोनों तरफ से सीढ़ियां जिन चबूतरे पर पहुंच रही है, 250 मंदिर के लंबे, 125 मंदिर के चौड़े, तो उनमें जो जल तरफ वाली कमान है, भीतरी कमान तो अपने को पालंदर मोहलातों में ले जाएगी,
सीढ़ियों वाली कमानें सीढ़ियों तक ले जा रही हैं, और जो कमान जल की तरफ है उनसे 3 सीढ़ी उतरकर ताल रोंसवे और आगे जल की शोभा। नक्शे से देखते हैं। यहां से ले में, अब इधर से सीढ़ी उतरी, इधर से सीढ़ी उतरी, तो हम इस जगह पहुंच गए, इस चबूतरे पर। अब इसमें जल तरफ की जो कमान है उनसे हम जल रोंस पे आए और आगे जल चबूतरे पर, और भीतर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक दरवाजा मिलेगा सवस्व मंदिर का, उसको पार करेंगे तो एक गली आगे पाल अंदर मोहल्ला। दो दो सीढ़ियों के बीच में ए जो छोटे कहे दो द्वार, तिन पर अजब कांगरी अति शोभित पाल अपार। दोनों सीढ़ियों के मध्य जो दो दो छोटे द्वार है, 125 मंदिर के द्वार दाएं बाएं पर कोटे पर विचित्र कांगरी इस प्रकार पाल की अपरंपार शोभा। दोनों ओर से सीढ़ियां उतरी, दो मेहराबों में तो सीढ़ियां उतरी गई उन देहुरी की, और दो मेहराबों में सवा सौ मंदिर के सुंदर द्वार, अति सुंदर नगों से झिलमिलाते दरवाजे। एक दरवाजा अपने को जल की तरफ ले जाता हुआ, तो उसमें जल की झिलमिलाट नजर आई, जल की शोभा। भीतर जो पाल अंदर मोहलातों में जा रहा है तो उनमें उस प्रकार का चित्रामन जो अपने को संकेत दे कि यहाँ से रू चल तो पाल अंदर मोहलातों में जाएगी, उन्हीं डोलों में जाएगी, उन पर अति सुंदर कांकरी इस तरह से पाल की अपरंपार शोभा। दो दो सीढ़ियों के बीच में ए जो छोटे कहे दो द्वार, तिन पर अजब कांकरी अति शोभित पाल अपार। पाल ऊपर जो देहुरी बीच कठेड़ा सबन, ई बैठक शोभा लेत है कहाँ कहूँ जुबा इन। पाल के ऊपर छोटी 124 देहुरियां आई हैं, उनके साथ कठेड़ा शोभायमान है। दो सीढ़ियों के मध्य जो छोटी देहुरी है उनके तीन और कठेड़ा है। चबूतरा जिस पर 124 देहुरियां शोभायमान है अति सुंदर दिखाई देता है। यहाँ श्री राज श्यामा जी की बैठक अति सुंदर और अवर्णनीय है। अब पाल ऊपर जो देहुरी बीच कठेड़ा सबन, ई बैठक शोभा लेत है, ई बैठक शोभा लेत है कहाँ कौन जुबा है। अब इन शोभा को देखें कि यहाँ से सीढ़ी उतरी, यहाँ से सीढ़ी उतरी, यहाँ पर 125 मंदिर का चौड़ा, 250 मंदिर का लंबा एक चबूतरा हो गया। पाल ऊपर ये चबूतरा हो गया। अब इस चबूतरे की चारों कोनों पर थंब उठे, सुंदर मेहराबे, दो तरफ 125 मंदिर की मेहराबे, सीढ़ियों तरफ 250 मंदिर की मेहराब, इनके ऊपर एक छत, और इन छत ने जाके चौरस पाल से मिलान कर लिया। तो अब इन सीढ़ियों की तरफ कठेड़ा, इन सीढ़ियों की तरफ कठेड़ा, और ये जल तर कठेड़ा, तो तीन तरफ यहाँ पे कठेड़े की शोभा हो जाएगी। अब ये छत है 125 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी, और चौरस पाल से एक रूप मिलान। अब इन स्थान के मध्य में 100 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह पे चार कोने पे थंब उठे, उन पर मेहराब छत कलश ध्वजा पताका की सुंदर शोभा। तो ये 124 देहुरियां आई, क्योंकि चार दिशा में हमने पहले वर्णन देखा है कि चार दिशा में तीन तरफ तो ये घाट की सीढ़ियां उतर रही हैं, और इस तरफ भी 750 मंदिर का लंबा चौक आया है, तो इन स्थान पर चार देहुरियां कम हो जाती हैं, तो ये जो छोटी देहुरी ये कही गई 120। झुंड के घाट की शोभा को एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, फिर चपई दोहराते हैं। श्री राज श्यामा जी और सखियों संग खुद को महसूस करते हैं सुखपालों पर। श्री रंग महल की तीजी भूम से उन सुखपालों की असवारी, वो सुखपाल भी कैसे धनी के आशिक, जैसे ही रूह के कदम पड़े तो सुखपालों के भी अंग अंग फड़कने लगे, यानी उनकी भी अंग अंग उल्लासित हो जाते हैं। श्री राज श्यामा जी की सवारी ने आज जाना है भोजपुर सरदार।
तू तली चांदनी चौक में नजर जाती है तो बेशुमार पशु पक्षी सवारी के साथ साथ चलते हुए उसी पल में दूर में नजदीक में जो भी रहते हैं सब हाजिर, वाजंत्र बजाते नाचते कूदते शहनाई वादन करनाल फूंकते मंजीरे बजते और एक एक सुखपाल के ऊपर नीचे आगे पीछे जवेरों की पुतलियां गायन करते नृत्य करते चलती आ रही हैं। उन थंबों को पकड़कर, उन सुखपालों की छत को पकड़कर और अपलक्षित धनी को निहारना, श्री राज श्यामा जी के सोने स्वरूप को और सखियों की भी चाह कि हमारा सुखपाल धनी के साथ हो। अब ये असवारी चलती है भोजकोसर ताल की ओर, आसमान की ऊंचाइयों से चांदनी चौक की शोभा, वो लाल हरा वृक्ष, रेती का नूर, धाम की उतरती सीढ़ियां, वनों की शीतल चांदनियां देखते हुए अमृत जामुन नारंगी और बट की चांदनी कैसे ऊंचाई लेती हुई और दक्षिण तरफ तो उन कोने पर अगिन कोने पर 16 हास्य बच्चा, वो जल की उछलती फवारियां और वो फवारियां भी तो धनी का ही स्वरूप आत्म स्वरूप कैसे उछल कर आ रही हैं और धनी चरणों में वंदना कर रही है। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, शीतल चांदनी रंगों नगों में चिल मिलाती, वो चार कोनों पर विशाल 6 बच्चे, उनसे उठता जल अनंत नहरे, 6 बच्चे उन एक एक बूंदी में बट पीपल की चौकी अपना संपूर्ण शोभा दर्शाती, हिंडोलों के सुख उन एक एक बूंदी में धनी को याद दिलाती, सखियों को याद दिलाती कि आओ इन सुखों में भी तो आओ, एक एक हिंडोले में खुद का ही प्रतिबिंब हर सखी को झलके कि श्री राज श्यामा जी के संग मैं ही तो झूला ले रही हूँ। दक्षिण दिशा में और आगे बढ़े बड़ वन के उन वृक्षों की शीतल छाव से और रू आज इन बड़ वन के ही पथ मार्ग से भोजकोसर ताल जाना चाहती है, तो उनके संग संग आगे चलना और सीधा भोजकोसर की शोभा में पश्चिम दिशा में भोजकोसर का द्वार कहा गया, वहां वन रोज पर सुंदर 2 चबूतरे, वनों की शीतल छांव वहां इकट्ठी होती हुई और चबूतरों के दर्शन, कैसे फूलों से सज उठे चबूतरे, उन चबूतरों पर श्री राज श्यामा जी कि सुखपाल उतरा, हम सखियों का भी सुखपाल श्री राज श्यामा जी की सुखपाल के संगी, श्री राज जी सुखपाल से उतर रहे हैं और जैसे ही उनके कदम चबूतरे पर पड़े तो चबूतरा कैसे सजता हुआ, चबूतरे पर सिंहासन कुर्सियां सब जैसे हाजिर होती हुई, बाजंत्र की मधुर ध्वनि, फिर राजी श्यामा जी की बाह पकड़ उनके हस्त कमल को थाम उन्हें भी सुखपालों से उतारते हुए, श्यामा जी भी सुखपाल से उतर रही हैं और एक-एक सखी को पिया, हर सखी को यही महसूस होता है कि धनी ने हाथ थाम
मुझे अपने नजदीक लिया और इन समय आभूषणों की वो मीठी झनकार, आभूषण भी चेतन कैसे ताल से ताल मिलाकर, कहीं घुंघरी बजती हुई, कहीं झांझरी, कहीं कांबी, कहीं कटला, पिया पिया तू ही तू का गुणगान, चबूतरे से आगे बढ़े तो सुंदर देहुरी के तले से होते हुए, फूलों की उन बरखा से कदमों तले फूल बिछरे हैं, देहुरी पार करी आगे पड़शाल, और इन पड़शाल में उन वृक्षों की मेहराबों में, उन एक-एक पत्ती में श्री राज श्यामा जी संग लिए सुख, यहाँ हिंडोलों में झूलना, आगे संक्रमक सीढ़ियां, विशाल सीढ़ियां, पहलदार। एक-एक पहल की सुंदर शोभा, और जहां दो पहल मिल रहे हैं वहां की प्यारी शोभा, बीच बीच में चांदे और धनी जब सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो उनके आलोकिक दर्शन, सखियों की बाहों में बाहें डालकर सीढ़ियां चढ़ना हास विलास करते, और संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही इन मध्य चौक में दाएं बाएं फूलों के कमर भर ऊंची चबूतरे, उन चबूतरों पर आए चारों कोनों पर वृक्षों का दीदार, और उन वृक्षों ने कैसे दोनों ओर से बाहें फैलाकर चबूतरे की दो दो दिशाओं में दीवार करी, और चारों दिशाओं में सुंदर बड़े विशाल मेहराबी द्वार, अति सुंदर नूरी चबूतरे की शोभा, वृक्षों के झुंड तले फूलों के ही सिंहासन, फूलों के ही वाजंत्र, सेजा श्रृंगार, और वो फूलों का श्रृंगार स्वतः अंग अंग में सजता हुआ, श्यामा जी के वो फूलों के कर्ण फूल इसे लाल गुलाब की उन पंखुड़ियों से बने, और उन गुलाबी आभा जब उनके गालों को छूती है तो श्यामा जी का स्वरूप, शिरा जी के कुंडल, सभी आभूषण फूलों के। और इन झुंड का एक द्वार से हमें धनी दर्शन कराते, संक्रमक सीढ़ियों का एक द्वार से, चोरस पाल का और एक द्वार से बिल्कुल वैसा ही दूसरा झुंड, और एक से ताल के दर्शन, यहां से तीन सीढ़ी उतरकर आगे बढ़े तो त्योहरी, रंगों नगों से झिल मिलाती देहोरिया, दोनों झुंडों के सामने देहोरिया, और दोनों देहोरियों के मध्य धाम की विशाल सीढ़ियां, धाम घाट की सीढ़ियां, अनेक रत्नों से जड़ी, अनेक फूलों से, और कैसे खिल उठती है कि मेरे पिया पधारे हैं, और कोमल होती है, और कोमल होती है, नजर ऊपर करे तो शीतल दोनों मेहराब, दोनों देहोरी ने मिलाकर कैसे सुंदर मेहराब डाली, इन सीढ़ियों से उतर कर गली चबूतरे पर सामने तीन मेहराबी, फिर कर भीतर की ओर नजर करी तो मध्य मेहराब से सीढ़ियां, दाएं बाएं की मेहराब में दरवाजे, पाल अंदर मोहलातों की झलकार,
दाई बाई भी सुंदर चित्रामन, और ताल तरफ जो तीन मेरा भी है, वहां बड़ी नजाकत से तीन सीढ़ी उतरकर जल रोज पर आना, और नजर ऊपर करी तो ऊंची अत्यंत छाया फूलों की, अत्यंत ऊंचाई चोरस पाल की ऊंचाई, और चोरस पाल से भी एक और ऊंची वृक्षों की वो शीतल छांव जल चबूतरे तक जाती हुई। ताल रोज पर एक बड़ा छोटा द्वार, और झुंड के घाट की 750 मंदिर की शोभा, नजर ताल तरफ होए तो वहां पर भी टापू मोल की भी वो जो मुख्य द्वार आया है, 750 मंदिर आमने सामने दोनों दरवाजों की सुंदर झलका। झुंड के घाट का मध्य चौक दाएं बाएं चबूतरा, इधर टापू मोल में दरवाजा दाएं बाएं चबूतरा, आमने सामने साम सामी झलकार, और उन झलकार में कभी टापू मोल की शोभा, कभी झुंड के घाट की फूलों की शोभा, और फिर तीन सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे पर आना, और धनी संग झीलना। पाल अंदर मौला तो पे श्रृंगार सजना, अपरम पार्श्व पर झुंड के घाट की चौपाई दोहराते हैं। पाल ऊपर जो देहुरी बीच कठेड़ा सबन, ए बैठत शोभा लेते हैं, कहाँ कहूँ चुबा इन, कहाँ कहूँ चुबा इन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, प्रणाम जी सुनो सच।